नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यन्दु मंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम सिग्नल बनाया उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। वो कल के लिए मतलब 13 फरवरी 2020 के लिए मैंने ये स्टॉक चुना है। ये इक्विटी स्टॉक दिखाऊंगा, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी फ्यूचर्स दिखाऊंगा, 100 डे EMA का स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इंसर्ट दबा NR4 NR7 दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डायरेक्शन देता हूँ वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो भी जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जो फाइल है इसमें क्या क्या है, हाउ टू स्क्रीन दिस फाइल, ये सब वीडियोस आप लोग को मिल जाएगा, इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोस मिल जाएगा, ताकि आप लोग को लाइव मार्केट में मैंने दिखाया हो, लाइव मार्केट चार्ट में दिखाया हो कि कैसे इसका एंट्री लेना है, कैसे यूज़ करना है, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। और इसका डाउनलोड करने का लिंक भी, सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा, इसमें क्या क्या है, कैसे स्क्रीन करना है, तो ये उसका यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। और इसका व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ये पूरा फाइल शेयर करता हूँ, तो इसमें आप लोग को उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा, फ्री ट्रायल के लिए आप लोग ज्वाइन हो सकता है। तो अभी मैंने इसमें बाई लेवल सेल लेवल 1, 2 और 3 बनाता हूँ, बाई लेवल सेल लेवल 1, बाई लेवल सेल लेवल 2 और बाई लेवल सेल लेवल 3, और इसमें बाई लेवल सेल लेवल 3 को अलग से बनाया, जिसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का अलग से दिखाया हूँ। अप ट्रेंड और अप ट्रेंड में बाई सेल लेवल रखा है, डाउन ट्रेंड में बाई सेल लेवल रखा है। आप लोग पिछले वाले वीडियोस भी देख लीजिए, ताकि आप लोग को इसमें सुविधा हो जाएगा ये वीडियो समझने के लिए, ये जो इस बाई सेल लेवल को समझने के लिए। तो ये देखिए बाई लेवल सेल लेवल 1 जो है, तो इसमें बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बड़ा तरफ रहता है, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 डाने तरफ रहता है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बड़ा तरफ रहता है, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 डाने तरफ रहता है। मार्केट ओपन होने के बाद इसका कौन सा लेवल पे स्टॉक्स है वो आप लोग को देख लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप लोग को एंट्री लेना है, टारगेट और स्टॉप आप लोग को हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप लोग को एंट्री लेना है। आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देख लीजिएगा और उसमें आप लोग को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और इसमें इसके बाद मैंने बाई लेवल सेल लेवल 2 दिखाता हूँ, यह है बाई लेवल सेल लेवल 2, और इसके बाद बाई लेवल सेल लेवल 3 दिखाऊंगा, यह है बाई लेवल सेल लेवल 3, इसका R1 बाई का एंट्री लेवल है, इस वन सेल का एंट्री लेवल है, और यह है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, इसका वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकते हैं, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। R1 R2 बंदूक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, ये पिवट पॉइंट का, ये बोलिंजर बैंड का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, और ये जो टीरन लेवल है इसका टॉप लाइन मिडिल लाइन और बॉटम लाइन का वैल्यू नोट कर सकता है, ये सब आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। और इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है और निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स है, इसका बाई लेवल सेल लेवल 1 और बाई लेवल सेल लेवल 2 और बाई लेवल सेल लेवल 3 आप लोग नोट कर सकता है। ये आप लोग को स्टॉक मार्केट में जब लाइव मार्केट में मॉनिटर करने के मूवमेंट मॉनिटर करने का, निफ्टी या बैंक निफ्टी का मूवमेंट मॉनिटर करने के लिए आप लोग को सुविधा हो जाएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और ट्रेड भी आप लोग ले सकता है फ्यूचर में, ऑप्शन में आप लोग ट्रेड भी ले सकता है। और यह है ट्रेंड पिवट पॉइंट, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल और टीरन लेवल आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैंने कमोडिटी का दिखाता हूँ, कमोडिटी का बाई लेवल सेल लेवल 1, लेवल सेल लेवल 2, आप लोग किसी भी दिन किसी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगला दिन का ये जो मैंने दिखा था वो कमोडिटी हो या इक्विटी हो या बैंक निफ्टी हो, कैसे आप लोग को
काम करता है ये लेवल्स। और आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा क्या, डिफिकल्टी होगा कुछ, तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं मेरे को। इसके बाद और भी कुछ बाकी रह गया कम्युनिटी, आप लोग ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, मेरा बहुत कुछ दिखना है इसीलिए मैंने जल्दी करता हूँ, और मेरा वीडियो का लिमिटेड टाइम है तो ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए मैंने जल्दी कर देता हूँ। और इसके बाद मैंने कुछ फीचर्स का व्यू दिखाता हूँ, आप लोग ये भी देख सकते हैं। इसका बैलेंस लेवल 1 ही दिखाता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा, जो जिस जिस का स्टॉक्स का आज का कैंडल को, जिस जिस स्टॉक्स का आज का कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है, उस स्टॉक्स का कल जब हाई लो ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। इधर देखिए BPCL में काट किया है, BPCL में 2 दिखा रहा है, तो इधर BPCL का हाई लो जब 485.70 और 473.90 ये जब ब्रेक होगा हाई या लो, तो इसका अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। मेरे चार्ट में भी एक बार दिखा देता हूँ, देखिए BPCL का आज का कैंडल को का थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन ये भी चलेगा तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्लोजिंग प्राइस का एवरेज नहीं लेता है, मैंने एवरेज प्राइस का एवरेज लेता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा दूसरा दिक्कत है, लेकिन इसमें भी काम चलेगा। कौन कौन में ले सकते हैं आप लोग, इसके बाद ग्लेनमार्क में देख सकता है, ग्लेनमार्क में देखिए इधर काट किया है, तो इसका हाई लो जो ब्रेक होता है अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। आप लोग इसके इसमें लाइव मार्केट में भी जो हाफ एन आवर का जो 30 मिनट का कैंडल जो ब्रेक होता है, 30 मिनट का जिस जिस स्टॉक्स का 30 मिनट का कैंडल को 100 डे मूविंग ईएमए है, ईएमए का जो काट करता है, तो वो भी आप लोग को डिपेंड अच्छा मूवमेंट देता है उस स्टॉक्स को। मेरा हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, इंसेंट बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ, इंसेंट बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है, इंसेंट बार NR4 NR7 1 डे का हिसाब से और 2 डे का हिसाब से, इंसेंट बार और NR4 NR7 इसमें कौन सा स्टॉक्स बना है आप लोग को दिखाने का दिखाता हूँ। देखिए इधर NR4 NR7 बना है अदानी पावर में, और इधर अपोलो टायर में NR7 और NR4 बना है। आप लोग को सर पता होगा कि जो ये जो अगला मैंने अपोलो टायर में दिखाता हूँ, और आप लोग को जो लोग मैंने देख रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ, तो इसीलिए मैंने चार्ट में दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए इधर NR4 का जो मतलब है कि इधर ये कैंडल छोड़ के अगला 3 कैंडल का जो हाई लो का जो डिफरेंस है, तो हाई लो का जो डिफरेंस है, ये आज का कैंडल का हाई लो का डिफरेंस सबसे कम है ये तीनों का हिसाब से, ये तीनों का कंपैरिजन से, तो इसका जब हाई लो ब्रेक होगा तो ये अच्छा मूवमेंट मिलता है, क्योंकि ये कंपेस्ट होता है, ये नैरो रेंज के अंदर रह गया। और ये NR7 भी हुआ है, NR4 NR7 एक ही साथ हुआ है, तो ये छोड़ के अगला 6 कैंडल का जो हाई लो का डिफरेंस है, तो ये आज का कैंडल, देखिए आज का कैंडल सबसे छोटा है, तो इसीलिए इसका जो कॉम्पेस्ट हो गया है, तो ये अच्छा मूवमेंट एक मिल सकता है, ये अच्छा प्राइस है, प्राइस मतलब एक प्राइस एक्शन का प्राइस एक्शन है। तो इसके बाद ये देखिए इधर बजाज ऑटो में भी हुआ है, और इधर इंसेंट अबार बना है, इंसेंट बना है भारतीय एयरटेल में, इंसेंट अबार 1 डे का हिसाब से बना है, और NR4 NR7 भी बना है, तो भारतीय एयरटेल को दिखा देता हूँ। देखिए कौन इधर आज का कैंडल ये अगला दिन का कैंडल का अंदर रह गया, तो ये अगला दिन का कैंडल का जो हाई लो ब्रेक करेगा, तो आप लोग इसका एंट्री ले सकता है। आप लोग चार्ट पे इसका हाई लो आप लोग को निकल दे जाएगा। और इधर बायोकॉन में भी हुआ है,